करता है, आप सबका अपना नाम होता है जिससे हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। जितनी भी हमारे आसपास चीजें होती है उन सबका भी नाम होता है। आपके बैग में जैसे पेंसिल है, इरेजर है, शॉर्पनर है, वाटर बॉटल है, लंच बॉक्स है, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो अपने आसपास ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसका कोई नाम नहीं होगा। तो नाम वाले शब्द को ही हम संज्ञा कहते हैं, एंड इन इंग्लिश वी कॉल नाउन। अब हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति यानी पर्सन, वस्तु, थिंग्स, स्थान, प्लेस, प्राणी, एनिमल्स या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और उसी को हम इंग्लिश में नाउन के नाम से जानते हैं। व्यक्ति का नाम एग्जाम्पल्स देखेंगे, रमेश है, गीता है, नरेंद्र मोदी है, निशा मैम है, आप सबका नाम है, मेरा नाम है, आपके रिलेटिव्स का नाम है, फ्रेंड्स का नाम है, सभी के नाम जो है वो व्यक्ति के नाम में आएंगे, पर्सन्स में, ठीक है। आपके फ्रेंड्स के नेम भी है। नेक्स्ट है वस्तु, तो वस्तु आ गया थिंग्स, मेज है, कुर्सी है, पेंसिल है, बैग है, गिलास है और भी बहुत सारी जितनी भी चीजें हैं वो वस्तु के अंदर आती है। नेक्स्ट है स्थान, घर, पार्क, मंदिर, स्कूल, रेलवे स्टेशन, ये सभी स्थानों के नाम आ गए। प्राणी, मनुष्य भी एक प्राणी है, हमने यहाँ पर अपना नाम लिखा है, ठीक है, तो ये व्यक्ति का नाम हो गया। और यहाँ पर है पशु पक्षी, सभी एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सभी जो है लिविंग क्रिएचर वो प्राणी में आएंगे और सभी जानवर। भाव, खुशी, क्रोध, प्यार, मिठास, सुंदरता, भाव होती है फीलिंग्स जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते। जैसे आपको आपके अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा, आपका पसंदीदा टॉय आपको नहीं मिला तो आपको गुस्सा आता है, ठीक है, तो उस गुस्से को आप अपने अंदर फील करते हैं और आपके फेस एक्सप्रेशन से आपकी जो मदर है वो नोटिस करती है, या आपको क्लास में जैसे गेम्स पीरियड नहीं मिला तो आपकी टीचर आपके चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। भाव जो है उनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अलग से उनको दिखा नहीं सकते, ठीक है, तो भाव के नाम भी संज्ञा के अंदर आते हैं। अब हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के मुख्य दो तीन ही भेद होते हैं और अन्य दो भेद और होते हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा के लिए भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे हम सभी व्यक्ति हैं, हमारा नाम है, मदर्स का नाम है, आपके फ्रेंड्स का नाम है, आपके क्लासमेट्स का नाम है, वो सभी व्यक्तिवाचक हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। जैसे राम है, श्याम है, सीता है, ये सभी प्रॉपर नाउन में आएंगे। अगर किसी जगह का नाम दे रखा है, जैसे अपना स्कूल है, ठीक है, और स्कूल का प्रॉपर नाम है भारती पब्लिक स्कूल, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। स्कूल जातिवाचक में आएगा और भारती जो है वो व्यक्तिवाचक में आएगा। नेक्स्ट है जातिवाचक, जिसको हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो संपूर्ण जाति के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, जैसे पुस्तक है, अगर हम कहें कि हिंदी की पुस्तक है, ठीक है, तो हिंदी वर्ड तो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में और पुस्तक आ जाएगा जातिवाचक में। और नेक्स्ट वर्ड है पशु, ठीक है, तो पशु कोई भी हो सकता है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, ये सभी भी जातिवाचक में आएंगे, स्कूल अभी हमने पढ़ा, ठीक है। और नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो इसमें आते हैं भाववाचक संज्ञा में, जैसे होनेस्टी है, ठीक है, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुर, खुशी, मिठास, सुंदरता, ये सारी फीलिंग्स भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। और नेक्स्ट फील्ड है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में हम मेटेरियल नाउन के नाम से पढ़ते हैं, जिसमें जितने भी मेटल्स हैं, पानी है, तेल है, सोना है, चांदी है, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। और लास्ट समूह है वाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, इसके अंदर हमें पूरे ग्रुप का बोध होता है, जैसे क्लास मीन्स
जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो, टीचर हो, उसी को हम क्लास कहेंगे। एक ग्रुप का हमें जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन में आएगा। और सभा मतलब असेंबली हो रही है जहाँ बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो ये सारे वर्ड्स झुंड है, बहुत सारे जानवर एक जगह खड़े हैं उसको हम झुंड कहेंगे, ठीक है। तो ये जहाँ पूरे एक ग्रुप का बोध कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी वर्ड, वो समूह है वाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन में आएगा। एक बार हम फिर से अपने टॉपिक को रिवाइज करेंगे, परिभाषा की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा करते हैं। इंग्लिश में हम इसे नाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है। व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, भाव का नाम, मतलब सारी चीजों के नाम, ऑल लिविंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन, ठीक है। शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि नाउन वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा के हमने मुख्य भेद पढ़े हैं, मुख्य भेद है तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और अन्य दो भेद है द्रव्यवाचक और समूहवाचक।